स्वागत है साथियों आपका। अपन चर्चा करेंगे कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2021 के बारे में। इस भर्ती का विज्ञापन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा किया गया 5 फरवरी 2021 को। इस भर्ती में 882 पदों की जो विज्ञापन जारी हुआ है, इस भर्ती के अंदर जो सिलेबस है उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे इस भर्ती में कैसे आपको सिलेक्शन निकालना है। इस भर्ती में क्या है, जो तीन पार्टों में सिलेबस को डिवाइड किया है, हिंदी के 15 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन और कृषि विज्ञान के 60 क्वेश्चन। और कृषि विज्ञान के क्वेश्चनों को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, सस्य विज्ञान के 20 क्वेश्चन, उद्यान विज्ञान के 20 क्वेश्चन और पशुपालन के 20 क्वेश्चन। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कृषि विज्ञान के सब्जेक्ट जो 100 में से 60 क्वेश्चन आते हैं वो बहुत डिसाइडिंग पॉइंट होता है सिलेक्शन के लिए। कैसे तैयारी करते हैं, कैसे तैयारी नहीं, कैसे सिलेक्शन निकालते हैं, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताऊंगा, क्योंकि मैंने आरपीएससी टॉप किया है सहायक कृषि अधिकारी में प्रथम स्थान के साथ। तो मेरा एक निजी तजुर्बा है कि किसी भी भर्ती को आपको टॉप निकालना हो, टॉप सिलेक्शन की ओर ध्यान देना हो, तो आपको उस भर्ती में दो तरह के एग्जाम होते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब जिसमें लिख के आंसर देना होता है, जैसे आरएस मेंस एग्जाम। और सब्जेक्टिव एग्जाम में क्या होता है, किसी एक गाइड को अच्छे से पढ़ना होता है, जबकि ऑब्जेक्टिव भर्ती होती है जैसे कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ए बी सी डी में से चयन करना है। ऐसे एग्जामों में आपको ध्यान रखने योग्य बात है कि जितनी नंबर ऑफ बुक्स पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। तो मैंने जो एग्रीएंस क्लासेस पे सेवाएं दूंगा उसमें मैंने खुद ने सारे नोट्स तैयार किए हैं, सारी स्लाइडें तैयार की हैं। तो मैंने उसमें यही चीज़ रखा कि सिर्फ एक ऐप से कोचिंग करने से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सको, यानी जितना मैटर आपको 8 से 10 कोचिंग में या 8 से 10 गाइड पढ़ने से मिलेगा उससे ज़्यादा मैटर आपको केवल एग्रीएंस क्लासेस के ऐप पे मिलेगा। इस ऐप पे मैंने सेवाएं इसलिए दी है कि मैं कुछ स्टूडेंट हैं जो केवल मेरे से ही पढ़ना चाहते हैं और मैं उनको सेवाएं देना चाहता हूं, तो मैं ऑफलाइन पढ़ा नहीं सकता क्योंकि एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर लीगली भी नहीं है और टाइम भी एडजस्टमेंट नहीं बैठता है। इसके लिए मैंने एग्रीएंस क्लासेस के जो ऐप है उस पर सेवाएं दूंगा। इसके अलावा मेरी अन्य जगह पर कहीं सेवाएं नहीं दी जाएगी। और इसके बारे में आपको ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब मेरी नज़र से मैंने ये तजुर्बा पाया है कि किसी भी भर्ती को टॉप करने के लिए जो भी आप बैच तैयारी करना चाहते हो वो ऐसा बैच या ऐसी कोचिंग या ऐसा ऐप पे आप कोचिंग करो जो आपको कुछ समय के लिए आपको हार्ड लगेगा तैयारी करने के लिए, लेकिन आपको मैटर बहुत डेंस या बहुत अच्छा सा मैटर उपलब्ध कराए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करवाए, वो करनी चाहिए। तो उसी का मैंने प्रयास किया एग्रेंस क्लासेस पे। और लैंग्वेज मैंने काफ़ी सरल रखी है, हिंदी के और इंग्लिश दोनों के शब्दों को मिक्सचर रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने ये डिसाइड क्यों किया भाई एग्रीएंस क्लासेस पे सेवाएं दूं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि मैं जो एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफलाइन पढ़ा नहीं सकता, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग, 6-6 महीने तो कोचिंग करना पॉसिबल नहीं है, कुछ स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करते हैं उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। और ऑफलाइन कोचिंग में आप एक बार पढ़ाने के बाद उस क्लास को दोबारा नहीं देख सकते हो, जबकि ऑनलाइन में आप उसी कोचिंग को, उसी क्लास को आप 3 बार 4 बार कितना भी देख सकते हो। और फिर मैं जो एग्रेंस क्लासेस पे सेवा दूंगा तो मैं कंटिन्यू दूंगा आपके कोर्स कराने के बाद, क्वेश्चन पेपर वगैरह जहाँ तक आप एग्जाम होगा जब तक अपन कनेक्टेड रहेंगे। और मेरी तरफ से पूर्ण मन से कोशिश की जाएगी आपको कैसे इस भर्ती में टॉप 10 में स्थान बनाया जा सकता है। नमस्कार साथियों, सबसे बढ़िया तो अपना ये है कि एग्रेंस क्लासेस पर हरिंदर जी टाइम निकाल रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं और कृषि सुपरवाइजर के लिए अगर इनकी सेवाएं मिल रही है तो इससे बढ़िया हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। जैसा कि इन्होंने बताया कि 00 की भर्ती के अंदर आप ऑल राजस्थान नंबर 1 रैंक पर रहे हैं, टॉप किया आपने और लंबा आपका कृषि पर्यवेक्षक का अनुभव रहा है और अगर आपकी सेवाएं नए अभ्यर्थियों को मिल रही है तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। और उसमें भी सबसे अच्छी बात यह है कि आप ऑफलाइन ना करके ऑनलाइन कोचिंग में सेवाएँ दे रहे हैं, तो उससे अगर आप जो अभ्यर्थी हैं इस एग्ज़ाम के वो कहीं से भी तैयारी करना चाहेंगे, कोई जगह का बाउंडेशन नहीं है, कोई समय का बाउंडेशन नहीं है, वो डायरेक्ट अपने मोबाइल के अंदर एग्रीएंस क्लासेस ऐप डाउनलोड करेंगे और उससे इजीली अपने समय के अनुसार कोचिंग की तैयारी कर सकते हैं। और जैसा कि आपने बताया उसमें आपको सारे पीडीएफ्स वगैरह, सारी वीडियोस वगैरह आप कितनी बार देख सकते हैं, कैसे भी उसकी जो उसका लाभ है वो ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कि इस ऐप को किस तरीके से आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हरिंदर जी ने आपको बताया था कि हम जो है एग्रीएंस क्लासेस ऐप के माध्यम से आपको सेवाएं देंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐप हम जो है किस तरीके से अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर
पे जाना है, प्ले स्टोर। प्ले स्टोर खोलने के बाद जो हमारा जो ऐप है वो सब यहाँ निकलेंगे। अब आपको यहाँ टाइप करना है एग्रियंस क्लासेस, एग्रियंस क्लासेस, बिल्कुल एग्रियंस क्लासेस पे क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से एग्रियंस के बारे में जो भी जितने भी क्लासेस हैं वो खुलेगी। तो उसमें एग्रियंस क्लासेस ये जो लोगो बना हुआ है जिसमें एक किसान और दो गेहूँ की डालियाँ, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। बिल्कुल इस पर क्लिक करने के बाद ये अपना आप इंस्टॉल का ऑप्शन मांगेगा। आपको क्या करना है, इस इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कुछ समय बाद आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। हाँ, तो इंस्टॉलेशन के बाद में आपके मोबाइल के अंदर इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। आपको ओपन के ऊपर जो क्लिक करेंगे तो ये ऐप अपने फ़ोन के अंदर ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ आपको आपके मोबाइल नंबर डालने हैं। अब आपको यहाँ पे जो आपको मोबाइल पे ओटीपी मिले वो यहाँ आपको डायल करने हैं और ओटीपी लगाने के बाद आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई होते ही जो आपका फ़ोन है वो हमारे ऐप के साथ में कनेक्ट हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एज ए स्टूडेंट और एज ए पेरेंट्स। तो आप अगर एक स्टूडेंट्स हैं तो एज ए स्टूडेंट आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद कुछ हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग ये आगे आप नेक्स्ट पे करेंगे। दो तीन कंडीशंस के बाद आप और नेक्स्ट और नेक्स्ट, इसके बाद गेट स्टार्ट। अब ये गेट स्टार्ट होने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम फिलअप करना है। नाम डालने के बाद आपको यहाँ पे एक और ईमेल आईडी ये मांगेगा, तो आपको जो आपकी वर्किंग ईमेल आईडी है वो इसमें डालनी है और इसके बाद रजिस्टर्ड। अब जो है आपकी ईएमआई आईडी डालने के बाद आप इस अदर्स पे, यानी कि इसमें आपको कोर्सेज के ऑप्शन पूछेंगे, आप अदर्स पे करके और डन कर लीजिए। ओके, बस स्वागत है आपका। यह आपका प्लेटफॉर्म खुल जाएगा एग्रेंस क्लासेस का। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको जो वीडियोस वगैरह है फ्री भी उपलब्ध रहेंगे और आपका कोर्स एज ए पेड कोर्स भी आपको उपलब्ध रहेगा। को जो ऐप इंस्टॉलेशन के बाद आपको एक कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज भी आपको रिसीव होगा। इस तरीके से आप सफलतापूर्वक हमारा जो ऐप है वो अपने इंस्ट्रूमेंट में जो है मोबाइल के अंदर जो है आप रिसीव कर पाएंगे। अब साथियों, इसके साथ में जितने भी डाटा है वो आपको इस ऐप के अंदर उपलब्ध रहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारा एक प्रयास है ऑनलाइन आने का, ये आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो निवेदन रहेगा मेरा आपसे, आप इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे ये जो वीडियोज़ हैं वो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी उपलब्ध रहेंगे। आप यूट्यूब पर भी एग्रेंस क्लासेस सर्च करके और हमारे सब्सक्राइब बनिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो, जो हरेंद्र बोस के जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। धन्यवाद।